जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अगर मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार जबरदस्त टॉपिक डिस्कस करूंगा। कोई ट्रेडर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि गलत जगह वो ट्रैप ना हो, और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सही एंट्री ले पाए। तो ये दोनों चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई आप अपनी गलत एंट्री को कैसे बचा सकते हो। इसके लिए हमें समझना होगा रिवर्सल। रिवर्सल बार क्या होता है कि मार्केट किसी भी पॉइंट पे जाने के बाद वहां से टर्न हो जाती है, उस टर्निंग पॉइंट पे एक रिवर्सल बार बनता है, जबकि वहां पे आप मैक्सिमम हाई पे करके ट्रैप हो जाते हैं, उसके बाद मार्केट गिर जाती है। सेम कंडीशन नीचे साइड में होती है कि जब नीचे से रिवर्सल बार बनता है तो सबसे बॉटम में बनता है, और वहां पे क्या होता है कि आप सेल साइड बैठ जाते हो, और जैसे ही सेल साइड बैठते हो मार्केट वहीं से टर्न हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि भाई अगर आप रिवर्सल बार के साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट और बायर सेलर क्या सोचता है ये समझ जाओगे तो टर्निंग पॉइंट पे गलती नहीं। करते हैं कि रिवर्सल पॉइंट कितने तरह के होते हैं, तो देखिए ये तीन तरह की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये की रिवर्सल पॉइंट, टू बार रिवर्सल पॉइंट और थ्री बार रिवर्सल पॉइंट। यानी की रिवर्सल पॉइंट टॉप बॉटम में बनता है, टू बार रिवर्सल पॉइंट एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा फिर एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा, थ्री जो रिवर्सल बार बनते हैं उसमें दो ग्रीन कैंडल बड़े बनते हैं फिर तीन छोटे छोटे रेड कैंडल बनते हैं फिर एक ग्रीन कैंडल बड़ा बनता है। तो ये एक लैंग्वेज है, जैसे कि कोई भी सफल ट्रेडर है तो इस भाषा को अच्छे से समझता है तभी तो वो सफल है, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं। तो बस ये एक लैंग्वेज है जो धीरे धीरे आपको रीड करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम तीनों रिवर्सल बार को समझेंगे ताकि आपकी ट्रैपिंग बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बात और एक है वो ये है कि देखिए जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक शेयर कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस भी हो रही है और लोगों का अप्रिसिएशन तो ऑसम है, सबको बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि मार्केट में क्या कोई सीक्रेट, बहुत सारा इसमें ना कंफ्यूजन लोगों में ज्यादा क्रिएट किया गया है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इस मार्केट में कोई ऐसा फार्मूला या ऐसा सीक्रेट है कि जिसको हम पकड़ लेंगे और उससे ही हम पैसा छाप देंगे। तो मेरा स्पेसिफिक आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई फार्मूला इसमें है नहीं, क्योंकि इससे बात कुछ है ही नहीं। इनसाइड कैंडल में आप वीडियो देख के देखो और यूट्यूब से गूगल पे विकिपीडिया पे छान मारो, इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है भटकाओ ही लोगों का कमाई का साधन है, मेरी फीलिंग को समझो और जो है तो प्रैक्टिस पे फोकस करो। चार ट्रेडिंग प्रैक्टिस ही आपको ट्रेडर बनाएगी, आप देख लो। क्योंकि देखो चक्कर क्या है कि इसमें उससे अच्छा कुछ है ही नहीं भाई। देखो मार्केट में प्रॉफिट इन्हीं सारे पॉइंट्स आप व्यू से बनता है, जो मैं इतने अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं कि जो लोग पेड में नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा इसमें सीक्रेट कुछ है और इससे ज्यादा इसमें प्रॉफिट बनाने के लिए पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं 15 साल का मेरे पास अनुभव है, तो वो चीज फिर आप उससे अच्छे से आपको फ्री में तो कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी, और पेड में भी क्या मिलेगी यार। अगर आप इनसाइड कैंडल के लिए जाओगे तो देख लो वीडियो, इससे अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ फ्री में कि जो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी सोच है कि यार हम ये फार्मूला पकड़ के प्रॉफिट कर लेंगे, वो फार्मूला पकड़ के प्रॉफिट कर लेंगे, 2 लाख पेड कोर्स करके प्रॉफिट कर लेंगे, नहीं। ये तो आप लकी हो कि ये सब चीजें हम फ्री में यहाँ रिवील कर रहे हैं, नहीं तो इसके लिए तो लाखों लोग रुपया देने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू सो मच, हो सकता है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों चलते हैं टेबलेट पे और तरीके से एक्सप्लेन। दोस्तों वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में लाइक कीजिए और मैं एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसा कि अभी हमने बताया ना कि आज हम समझने वाले हैं सबसे पहले की रिवर्सल बार। की रिवर्सल बार जो है ये चलती हुई अप या डाउन ट्रेंड के बीच में बन जाता है जहां से मार्केट टर्न ले लेती है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे टू बार रिवर्सल। टू बार रिवर्सल क्या होता है दोस्तों, ये भी टॉप और बॉटम में बनता है, एक बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद तुरंत वहां से मार्केट पलट जाती है। तीसरी बात हम इसमें करेंगे थ्री बार रिवर्सल क्या है, ये मार्केट में टॉप एंड बॉटम में भी बनता है और जब मार्केट चलती है तो उसके इस पुल बैक्स में भी थ्री बार रिवर्सल बनते रहते हैं। तो इस तरह से तीनों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दें कि की बार रिवर्सल क्या होता है। बहुत सारे नए लोग आए होंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सबसे पहले की बार रिवर्सल क्या होता है। तो मान लीजिए मार्केट एक कोई बुलिश ट्रेंड में चल रही है, मान लीजिए इस तरीके से मार्केट कोई बुलिश मोमेंटम में चल रही है और किसी एक लेवल पे गई, या यहाँ पे कोई क्लोजिंग प्राइस है या कोई पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से है, उसके बाद में मार्केट में क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मेशन होता है कि ये जो रेड कैंडल है ये इसके हाई पे खुलती है और आके सीधे इसके नीचे क्लोज हो जाती है। तो ये जो बीच वाली कैंडल है इसकी जो पूरी बॉडी है और इसका जो हाई लो है उसके नीचे आके यहाँ पे ये क्लोज हो जाती है, बड़ी सी कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है और ट्रांजेक्शन्स भी पिछले से हमारे यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चलती हुई मार्केट यहाँ से पलट गई, और जो ये छोटा सा बार आपको बीच में दिख रहा है इसको बोलते हैं बेरिस रिवर्सल की बार, ठीक है। बेरिस रिवर्सल की बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि चलती हुई मार्केट बुलिश मार्केट में उल्टा आ गई। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कि बेरिस मार्केट में कैसे मार्केट ऊपर की तरफ टर्न होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा कि ये जो कैंडलस्टिक में थोड़ा सा ड्रा करके समझा देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये बेरिस में है तो उसके बाद मान लीजिए कोई लेवल है सेम सिचुएशन उसी कंडीशन पे,
तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट किसी लेवल पे या किसी सपोर्ट पे जाने के बाद में छोटा जो कैंडल फॉर्मेशन होगा उसके नीचे मार्केट खुलेगी और उसके हाई पे क्लोज होगी, यानी कि जो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा वो इस वाले जो प्रीवियस जो उसका जो बेरिश कैंडल है उसके टॉप पे क्लोज होगी और उसके नीचे खुलेगी। तो यहाँ से इसको बोलते हैं, इस वाले कैंडल को बोलते हैं बुलिश की रिवर्सल बार। तो इसको बोलते हैं बुलिश की रिवर्सल बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हायर हाई को जब ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, या नीचे से ट्रांजेक्शन अगर पॉजिटिव होते हैं अनदर कैंडल में तो आप इसके ब्रेकआउट के बाद में यहाँ बाई साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया कि बार रिवर्सल की बात। अब दूसरा हम आपको बताने वाले हैं टू बार। दोस्तों अब समझते हैं टू बार रिवर्सल पॉइंट। टू बार रिवर्सल पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और ये टॉप या बॉटम में बनता है या क्लोजिंग पीवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनता है। तो जैसे इसमें आपको कैसे क्या ध्यान देना है और इसकी ट्रैपिंग से बचना है। जैसे हमारा आज का उद्देश्य यह है कि आपको ट्रैप नहीं होना है। जब आप लॉस से बिल्कुल बच जाओगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, डेमो में करोगे, तो अपने आप प्रॉफिट धीरे धीरे आने लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट किसी लेवल से बुलिश मोमेंटम में जा रही है, अब इसके बीच में देखिए रेड कैंडल भी बनेंगी लेकिन मैं बार बार अपने पेन को नहीं बदलूंगा। तो आप मान लीजिए इसको रेड मान लीजिएगा, इस तरह से मान लीजिए चल रही है फॉर्मेशन में कि ऑल ओवर ये बुलिश में जा रही है, फिर ये पर्टिकुलर किसी रेंज के आसपास छोटा कैंडल बनता है या यहाँ से एक ब्रेकआउट करके बड़ा कैंडल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस लेवल पे और ये कैंडल हो सकता है कि इस लाइन के ऊपर ही ओपन होकर बड़ा सा बन जाए, तो जो सिंगल बड़ा कैंडल बनता है उसके जस्ट बाद में एक बनता है दूसरा कैंडल जिसको बोलते हैं रिवर्सल बार। रिवर्सल बार जस्ट जैसे ये बहुत ही हाई बुलिश बना और उसके बाद जस्ट तुरंत मार्केट वहीं से लौट आई, तो ये जस्ट इसके क्लोजिंग के आसपास या क्लोजिंग के थोड़ा उधर या क्लोजिंग के थोड़ा नीचे आके क्लोज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टू बार रिवर्सल, क्योंकि जितने भी बायर आने थे यहाँ पे ट्रैप हो गए और मार्केट यहीं से टर्न ले लिया, क्योंकि इसी ब्रेकआउट पे आखिरी जितने बायर बायर बैठे होंगे सब आ जाएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर की ट्रैपिंग हो गई है, अब अगर ऊपर स्टॉप लॉस इनको नहीं मिलेंगे तो यहीं से मार्केट टर्न हो जाएगी। ओके, तो ये सिचुएशन पर ध्यान देना कि कोई लेवल ब्रेक करेगा, अगर वो बड़ा सा बार कोई बनता है या इसके ऊपर कोई बड़ा बार बन के टर्न हो जाती है दूसरे बार में, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ हमने ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया था कि जैसे एक बात हमने वहाँ पर बताई थी ब्रेकआउट वाले टॉपिक में कि अगर कोई मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं होना। मान लीजिए कि बुलिश फॉर्मेशन में थी, यहाँ पे कैंडल बना और ये मान लीजिए भले ही ये इसके ऊपर इस तरह से बुलिश बन गया लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी आपको पॉजिटिव दिखेंगे, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे जब ये सेलिंग ज्यादा होगी और इनसाइडर यहाँ पे सबको सेलिंग करेंगे और रिटेल में सबसे ज्यादा बाइंग करेगा तो नेचुरली यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखेंगे। ट्रांजेक्शन को यूज करने का तरीका हमने बता दिया है तो उसको उस परस्पेक्टिव में देखना आप लोग। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए इस तरह से बुलिश कैंडल बनी और यहाँ पे ट्रैपिंग हुई, तो ब्रेकआउट वाले वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि इस कैंडल पर ट्रेड करना ही नहीं, कभी कोई सिंगल बड़ी कैंडल पे मत करो। अब इस ग्रीन के बाद में अगर इसमें कोई और निक कैंडल बनती या कोई इनसाइड कैंडल बनती है, यहाँ पे कोई रिटेस्ट लेता, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट लेने के बाद में देखता कि सेलर नहीं है और वैल्यूम नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आई, उसके बाद में क्या होता कि यहाँ पे जब ये बुलिश फॉर्मेशन होता रिटेस्ट के बाद में फिर ये बड़ा कैंडल बनता और यहाँ वैल्यूम यहाँ से जब बड़ा हो जाता तो फिर वहाँ पे हम बाय के लिए अगेन यहाँ पे बाय के लिए इसके ब्रेकआउट पे हम सोच सकते थे। अभी आप लोग गलती क्या करते हो कि ब्रेकआउट को बाय कर लिया, तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया है उसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक में कि जो हमने बताया ना कि जो बार है, तो बार का मतलब यही है कि बुलिश हुआ और उसके जस्ट बाद में वहीं से मार्केट टर्न हो गई तो ये बेरिश हो गया, बस ये चीज़ समझना है। नीचे क्या होगा कि जैसे पहले बेरिश हुआ तो आपको लगेगा कि ये गिरा किसी लेवल पे और वहीं से ये टर्न होके बुलिश हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहीं से रिवर्सल बार हो गए। तो ये दोनों रिवर्सल बार हो गए और ये हो गया जैसे टॉप पे रेजिस्टेंस पे बनेगा या फिर ये बॉटम पे सपोर्ट पे बनेगा, या मान लीजिए सपोर्ट का मतलब ये भी है कि मान लीजिए कोई क्लोजिंग प्राइस है और मार्केट पिछले दिन से आई आई और यहाँ पे टकरा गई तो क्लोजिंग का भी सपोर्ट ले सकती है, पीवोट का भी सपोर्ट ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि देखो प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की। देखो आपका ट्रेड सही जगह पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, सफल ट्रेडर का काम है, तो इसलिए प्लेसमेंट के लिए वेट करो, कहीं भी अननेसेसरी ट्रेड मत करो और शुरुआती दौर में डेमो ट्रेडिंग करो, क्योंकि जो घबराहट है उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करोगे, चार्ट में प्रैक्टिस करोगे, कंडीशनल वैल्यू को देखोगे और वहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये दूसरी कंडीशन आपको समझ में आ गई, मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि ये थ्री रिवर्सल बार क्या होता है। थ्री रिवर्सल बार ये होता है कि मार्केट में मान लीजिए कि कोई एक कंडीशन है, मान लीजिए मार्केट भागी और यहाँ पे भी भागी मार्केट, तो इसके बाद में क्या होगा कि मार्केट में रुक जाएगी, तो ये जो बायर आने थे यहाँ पे आ चुकी है, अब सबको लगा था कि मार्केट भागेगी लेकिन रुक गई, उसके बाद में एक ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन होगी कि जो ये ग्रीन वाले कैंडल के नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा कि जो बायर हैं वो इस वाले के हाई के ऊपर इसको नहीं ले जा पाएंगे, तो इसकी कर्व ऐसे बनती है। मान लीजिए कि मार्केट में चली
एक पॉइंट दो पॉइंट यहीं पे चली, और उसके बाद में क्या हुआ कि जब टर्न हुई तो जो तीसरी कैंडल है तो इसके हाई हाई को नहीं तोड़ेगी और वहीं से नीचे होगी और दूसरी की ओपनिंग के नीचे जा करके ये क्लोज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे वायर ट्रैप हो चुके हैं, अब यहाँ से मार्केट टर्न ले सकती है और यहीं पर इसके जो ब्रेक मतलब ये क्लोज होने के बाद में अगर यहाँ से नीचे आपको ट्रांजेक्शन पॉजिटिव मिलते हैं, ये जो कंडीशनल वैल्यू है वो अप्लाई करते हो, या यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल या फिर ऑनिंग कैंडल कोई कैंडल का फॉर्मेशन होता है उसका ब्रेकआउट करते हो तो यहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर ये बुलिश कंडीशनल है तो इसमें थ्री रिवर्सल बार दूसरे हिसाब से बनेगा, वो अभी मैं बताऊंगा। तो होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको जैसे मान लीजिए कि बॉटम साइड में क्या होता है कि ट्रैपिंग बॉटम साइड में जब होती है तो नीचे साइड में ये दो बड़ी कैंडल्स या तीन बड़ी कैंडल्स ऐसे बन जाएंगे बेरिश साइड में। मान लीजिए मार्केट गिरी और फिर यहाँ पे मार्केट गिरी तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में लोगों को लगा कि चलो बेरिश हो गई या फिर ऐसे मार्केट गिर सकती है, लेकिन जो तीसरी कैंडल बनेगी मान लीजिए दो कैंडल गिरी और तीसरी कैंडल जो बनेगी तो ये वाली कैंडल क्या करेगी कि इस वाले के लो के बेरिश वाले लो के नीचे नहीं जाएगी और इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा और ये जा करके इस वाले के ऊपर क्लोज हो जाएगी। बस दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये बेरिश कैंडल है इसके ये लो के नीचे नहीं जाना चाहिए और इस बेरिश कैंडल की बॉडी के ऊपर या उसके हाई के ऊपर ये क्लोज दे देना चाहिए। अब इसके लिए कोई सलूशन नहीं है कि भाई हाई के ऊपर कब क्लोजिंग देगी नहीं क्लोजिंग देगी। तो यार देखो जितना इसमें इस तरह से अपने आप को उलझाओगे उलझ जाओगे, ये प्रैक्टिस का विषय है, ओनली प्रैक्टिस का विषय है। प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस ही आपको प्रॉफिट दे सकता है और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, को देखते रहिए, बस डेमो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो बस इसमें दो चीज़ें ध्यान देनी है कि एक ये बुलिश उसके ऊपर बुलिश और जो तीसरी कैंडल है वो हायर हाई को नहीं जाना चाहिए, लोअर लो के नीचे क्लोजिंग दे देना चाहिए। तो ये हो गया बुलिश रिवर्सल, ये कर्व को ध्यान दीजिए। बेरिश साइड में क्या होगा कि मार्केट मान लीजिए गिरी एक कैंडल दो कैंडल ऐसे गिरी किसी लेवल पे, तीसरी कैंडल जो है तो इसके लोअर लो को ना तोड़े यहीं पे ओपन होके और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो इस वाले कैंडल को कंसीडर करेंगे एज ए बुलिश कैंडल। तो इसको बोलते हैं थ्री बार रिवर्सल। अब यहाँ पे एक और अनदर कंडीशन होती है कि मान लीजिए मार्केट में ऐसे मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, इस तरह से बुलिश मोमेंटम चल रहा है तो थ्री बार रिवर्सल का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे वो मैं समझाता हूँ। देखिए मार्केट में मान लीजिए बुलिश चल रहा है तो आप लोग देखोगे कि दो तीन कैंडल ही बुलिश जाती है, उसके बाद मान लीजिए बुलिश भागी, उसके बाद मार्केट में क्या होगा कि वहाँ से वो टर्न ले लेगी रिवर्सल के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए। तो जब वो टर्न लेती है तो यहाँ पे थ्री बार रिवर्सल बनता है। थ्री बार रिवर्सल में कैसे बनता है कि एक ऐसी बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद में दूसरी ऐसी भी दोबारा मान लीजिए वैसे ही बेरिश कैंडल बनी, लेकिन जो तीसरी कैंडल बनेगी उस कैंडल में क्या होगा इस तरीके से बनेगी। अब मान लीजिए कि ये ट्रेंड जैसे मैंने बताया ना कि बुलिश है तो ये मार्केट भागी तो अब जाहिर सी बात है कि इसके लो को तोड़ेगी नहीं, बुलिश है तो ये आएगी रिट्रेसमेंट लेगी ऊपर जाएगी। तो ये रिट्रेसमेंट पे बनता है जो उसको मैं बोल रहा हूँ थ्री बार रिवर्सल, मतलब दो कैंडल इस तरह से गिरते क्रम में बनेगी। लास्ट वाली कैंडल है उसकी आप बॉडी का प्रेशर देखेंगे तो उसमें जो बॉडी है उस पर देखिए प्रेशर बाइंग का रहेगा और टेल थोड़ा ज़्यादा रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रेंड लाइन है इसको जैसे ही हम ब्रेकआउट मारते हैं तो इस वाले कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पे हम बाय एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अब ये इस वाले का हायर हाई तोड़ेगी तभी नए बायर यहाँ पे फंसेंगे और जैसे फंसेंगे तो फिर वहीं से रिट्रेसमेंट लेगी। तो आपको ये चीज़ समझना है कि थ्री बार रिवर्सल चलते हुए बुलिश ट्रेंड में ऐसे बनेगा। अब आप लोगों की एंट्री अगर इसके हायर हाई होगी तो आपको तुरंत वहाँ पर ट्रैपिंग हो जाएगी। आप इसको निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन में फॉलो करो। देखो जहाँ भी यहाँ पे ट्रैपिंग होगी सारी मार्केट एक जैसे चलती है, आप क्रूड ऑयल में इस चीज़ को फॉलो करो। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जैसे मेरी प्रैक्टिस बैंक निफ्टी निफ्टी पे है तो उसमें ये चीज़ मैं 5 मिनट में लगाता हूँ, 10 मिनट में या 15 मिनट में, ठीक है, लेकिन ट्रेड जो लेता हूँ वो 5 मिनट में लेता हूँ और उससे छोटे टाइम फ्रेम में भी लेता हूँ मॉर्निंग में, वो मैं बता चुका हूँ। तो आपको ये देखना है कि आपको अगर बैंक निफ्टी निफ्टी में करते हो तो इस 5 मिनट के प्रस्पेक्टिव से इसको कंसिडर करो। अगर ये चीज़ आपको 10 मिनट 15 मिनट में सेम सेटअप मिल जाता है तो वहाँ पर भी इसको ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखो जब भी कर्व लेगा तो वहाँ पे बनेगा, और इसका जो उल्टा फॉर्मेशन है वो भी एक बार मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि बुलिश ट्रेंड में आपको इसको जो थ्री बार रिवर्सल है ये कैसे बनता है। मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे गिर रही है तो इस तरह से गिरेगी ज़्यादा, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट लगी, फिर गिरेगी, फिर रिट्रेसमेंट लगी, तो इस कंडीशन पे आपको थ्री बार रिवर्सल मिलेगा। और यहाँ पे आपको कैसे काम करना है क्या चीज़ है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब ट्रेंड डाउन होगा और मार्केट गिर रही होगी तो जो गिरने की कैंडल्स हैं वो बड़ी बनेंगी। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मार्केट इस तरह से गिरी, ठीक है, वो दो तीन चार कैंडल इस तरह से गिरेगी फिर वो रिट्रेसमेंट लेगी। तो ये जो बार बनता है थ्री रिवर्सल ये रिट्रेसमेंट में बनेगा। कैसे बनेगा, मान लीजिए कि एक बुलिश कैंडल इस तरह से बनी, दूसरी एक बुलिश कैंडल बनी, तीसरी जो कैंडल बनेगी तो वो उसका प्रेशर आप समझिए इस तरीके से बस बनेगी। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड बेरिश है तो ये बायर नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगले पल जब सारे बायर यहाँ पे आ जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर
तो उसके बाद में यहाँ से एकदम से मार्केट मूव करेगी और फिर बड़े बड़े बार में गिर के इसके लोअर लो को तोड़ देगी। तो जैसे ही इस लेवर लोअर लो को तोड़ेगी तो यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे वो यहाँ पे ट्रैप होंगे और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट इस फार्मेशन में करेगी तो ऊपर बायर ट्रैप होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको ट्रेडिंग फील्ड में आगे बढ़ना है तो ये बिल्कुल आसान है। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ आसान है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आसान है, बस आपको सटीक जानकारी चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। ये क्या करेगा, देखिए जब गिरेगा तो गिरेगा, फिर इसी तरीके से ये रिट्रेसमेंट लेगा, बायर फंसाएगा, फिर गिरेगा, तो यहाँ पे फिर ये सेलर को फंसाएगा। अब जब भाई मान लीजिए किसी लेवल से गिरा, मान लीजिए इसका ब्रेकआउट हुआ, तो इसमें जब मैक्सिमम सेलर आए तो इस कंडीशन में वो एग्जिट ही हो जाएंगे ना, उनको क्या पता क्या होने वाला है। और उसके बाद जब वो सारे एग्जिट हो जाएंगे और जितने बार आ जाएंगे तब ये उल्टा चलेगी। तो आपको इसको ये देखना है कि हमने बताया ना कि जैसे ऊपर कैसे बनेगा और नीचे कैसे बनेगा और जब रिट्रेसमेंट होगा तब कैसे बनेगा, तीनों कंडीशन हमने दोस्तों एक एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अब आपको हम स्टेप बाय समझाते हैं कि की रिवर्सल बार की जो फॉर्मेशन है और उसके बाद में हम आपको समझाएंगे टू बार और थ्री बार और उसके फिर यूज और उसके बाद में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के बाद में आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन और ट्रैपिंग बच जाएगी। ये वीडियो ऑनेस्टली बहुत ही सुपर्ब है और आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम की रिवर्सल बार को समझते हैं। जैसे हमने बताया ना कि मार्केट मान लीजिए कि बुलिश उसमें जा रही है और किसी एक लेवल पे जाके इस तरह से टकरा जाती है और फिर वो हायर हाई पे जैसे बनती है और आगे बड़ा सा कैंडल नीचे हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कि और ये बुलिश की सॉरी ये बेरिश की रिवर्सल बार है और यहीं से मार्केट टर्न हो जाएगी। तो इस तरीके की कैंडल के फॉर्मेशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ब्रेकआउट पर हमने बताया ना कि पहले कैंडल में या इस तरह ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना है। अब दूसरी कैंडल अगर निगेटिव हो गई तो आपको यहाँ पर बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके बीच में इनसाइड कैंडल ऑनली कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे सेल करो। यहाँ पे सेल करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से रिवर्सल बार बनके फिर ये बुलिश बन सकती है। तो ट्रैपिंग से हमेशा बचना है। इसी तरीके से देखो ये है बुलिश की रिवर्सल बार जहाँ पे मार्केट गिरी है और उसके बाद में देखो ये किसी लेवल पे गई और वहां से ये भागी है, तो इसके बाद में बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे बना है जिसको हमने कल बताया था मदर कैंडल और इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग बायर हो चुके, अब अगर इस कैंडल पे टूट के बाय मत करो तो स्टिल वेट करो कि भाई इस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, क्या करेगी, रिटेस्ट करेगी। अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनती है, नीचे सेलर नहीं आते, रिटेस्ट हो चुका है, तो फिर यहाँ से भाग जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे की रिवर्सल बार के कुछ लॉजिक जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कैंडल बुलिश है, फिर ये बुलिश है, तीसरी कैंडल भी ये बुलिश थी लेकिन उसके बाद कोई लेवल था, लेवल के ऊपर गया और ऊपर आके नीचे क्लोजिंग दे दिया, बस इसी को फॉर्मेशन को आपको चार्ट में कहीं पे भी बनेगी ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे बेरिश गिर रही थी उसके बाद में किसी एक कैंडल के फॉर्मेशन के नीचे ये हुई किसी लेवल पे और ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, तो इसका मतलब है कि यहीं से की रिवर्सल बार बन गया। अब इसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद में डिसाइड होगा कि मार्केट का मोमेंटम कहाँ होगा, कैसे होगा। कंसोलिडेट के बाद डिसाइड होगा कि मोमेंटम अपसाइड में होगा जब यहाँ से नीचे ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे। बाद में बस इतना ही आपको चार्ट में ध्यान देना है। अब मैं आपको आगे की, इसलिए यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ कि की रिवर्सल बार को, बाकी आप लोग चार्ट में प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये फॉर्मेशन हुआ, तो जो कैंडल की कंडीशन हमने बताई उसको आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे मार्केट आई रिटेस्ट ली तो ये अप ट्रेंड में जा रही, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में क्या होगा कि जब भी ऐसा कोई कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जैसे इस कैंडल कंडीशन बनी, तो देखिए क्या होता है ना कि इसमें देखिए नीचे इसकी ओपनिंग हुई और लोअर लो तक गई, फिर देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश हुई, ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्ट्रेंथ दे देती है। और ये चीज़ क्या होती है, जैसे हमने बताया ना कि इसको बोलते हैं रिटेस्ट, तो जो की रिवर्सल पॉइंट होती है उसको रिटेस्ट के ही फॉर्म में देखा जाता है कि अगर ये मान लीजिए यहाँ पे रेड फॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए कि अगर नीचे से यहाँ फॉर्मेशन हुआ और की रिवर्सल के बाद में ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई तो स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो जाएगी और इस लेवल को भी ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे स्ट्रांगली बाहर आ गया और मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद में चली गई। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग गलती करते हो कि ब्रेकआउट के बाद में तुरंत ट्रेड ले लेते हो। तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जैसे ये की रिवर्सल बार बना, अब आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि मार्केट में बायर स्ट्रेंथ हो गई है, तो उसके बाद वेट करो। देखो यहाँ पे भी वो कैंडल बनी हुई जो कल हमने पढ़ाया था इनसाइड कैंडल, ठीक है, तो ये इनसाइड कैंडल बन गई, मतलब बड़ा कैंडल पर ट्रैप मत हो क्योंकि ये रिवर्सल बार होगा और नीचे गिरेगा तुरंत वहाँ से ऊपर घूम सकता है। तो इसलिए जो ये वाली चीज़ है वो आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे जैसे इनसाइड कैंडल के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ और इस लेवल को भी ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे और इनसाइड कैंडल के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं। आप लोग का स्टॉप लॉस भी गलत हो जाता है, इवन आप लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं हो फिर उल्टा जाने लगती तो घबरा के मैक्सिमम लॉस में ही एग्जिट कर देते हो। तो ये सारी गलतियाँ आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाते हैं कि टू बार रिवर्सल क्या होता है। जैसे कि कोई एक लेवल होता है और उस लेवल पे जाके मार्केट कहीं पे, अब देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि मार्केट किसी लेवल पे जाएगा
मान लीजिए मार्केट किसी लेवल पे जाएगा, हो सकता है कि उस लेवल के ऊपर भी एक कैंडल निकाल दे। तो यहाँ पे आपको बस वही मैंने बताया कि ट्रैपिंग नहीं करनी है, मार्केट जैसे ही यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा तो इस कैंडल के फॉर्मेशन को आप ध्यान से समझ सकते हैं कि जब 2 बार रिवर्सल होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि मार्केट की जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, तो जो दूसरी कैंडल जैसे हमने बताया तो इसकी जो हायर हाई है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, और इसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग में देखो क्या होगा कि कभी इसके बराबर भी हो जाएगी, कभी थोड़ा कम भी हो जाएगी, तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस ये है कि अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है तो ये परफेक्ट सिचुएशन है, अगर क्लोजिंग बराबर है तब भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि अगला कैंडल डिसाइड करेगा फिर क्या होने वाला है, ठीक है। अगर अगला कैंडल फिर तुरंत ग्रीन बन जाता है उसी के बराबर तो फिर ये कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ये वाला कैंडल बन गया तो इसका मतलब ये है कि सेलर की तरफ पॉज हो चुका है, सेलर एक्टिवेट हो चुके, तो अब इसके हायर हाई को नहीं तोड़ेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उस कैंडल का वेट करना है जहाँ पे ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो। तो देखो ये सारे टॉपिक पढ़ा चुके, लेकिन देखो चार्ट में दिख रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस कैंडल के फॉर्मेशन को देखो, तो यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे, बायर ट्रैपिंग होगी, तो ये कैंडल परफेक्ट है सेल के लिए या इसके लोअर लो के लिए सेल के लिए परफेक्ट है। इस तरीके की सिचुएशन को आपको आइडेंटिफाई करना। कम टू द पॉइंट, पॉइंट ये है कि देखो रिवर्सल बार इस तरह से बनेगा और आपको चार्ट में इस तरह से दिखेगा, तो आपको कुछ और सिचुएशन यहाँ पे मैं जल्दी से सिचुएशन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। देखो ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं, बस आपको चार्ट में ध्यान देना होगा। देखो यहाँ पे भागी, अब मार्केट में देखो इस बार को ध्यान से देखो, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया और मार्केट जैसे ही रिवर्सल बार बना तो इसमें देखो सारे बायर आगे जितने आने होते हैं। देखो गेम तभी होगा जब होना होगा, वो हो जाएगा, उसके बाद ही मार्केट पलटती है। तो इस चीज को आपको दिमाग में ध्यान देना है कि बस थोड़ा सा सब्र रखो, जो आपका ये फेयर एंड ग्रीड है बस ये आपको ट्रेडर बनने नहीं दे रहा। बात रही स्किल की, तो स्किल कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, आप 2 महीना कोर्स करके वीडियो एडिटर सीख सकते हैं, 2 महीना करके फोटोग्राफी कर सकते हैं, 3 महीना कोर्स करके कोई डिप्लोमा करके आप कोई भी क्रिएटिविटी का काम कर सकते हैं, 2 महीना सीख करके आप पेंटिंग बना सकते हैं, तो भाई 2-3 महीना करके आप ट्रेडिंग का नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी सारे कामों में क्या है कि आपका फेयर एंड ग्रीड नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में दोनों चीज़ है, क्योंकि ये डायरेक्ट पैसे से जुड़ी चीज़ है, और रिटेल इन्वेस्टर की मुसीबत उसकी पैसा है, क्योंकि उसके निजी जीवन में दिक्कतें हैं, तो इस वजह से वो फेयर एंड ग्रीड के कॉन्फ्लिक्ट से दूर ही नहीं हो पाता है, और वही चीज़ उसको हमेशा पेन देती है और लॉस देती है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि आप जब भी मार्केट में कोई बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखे तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेने से कंट्रोल करना चाहिए, और ये चीज़ आपको ज़िंदगी के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि जब आपको कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो तो वहाँ पे कोई डिसीजन लेने से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ों में आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम छिपा हो सकता है। जैसे जैसे ये लेवल को ब्रेक करती है तो इस ट्रैपिंग को आप यहाँ जल्दी से समझते जाइए कि यहाँ पे ब्रेक किया, ट्रैप किया, गिरा दिया, और जब गिराएगा तो कुछ लोग पूछ रहे हैं स्टॉप लॉस पे वीडियो बनाओ, सेपरेटली स्टॉप लॉस पे वीडियो बना देंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग ये आइडिया लगाओ ना कि अगर मार्केट में जब एंट्री लोगे तो उसके पीछे का स्टॉप लॉस, जब एंट्री लोगे तो उसके पीछे के स्टॉप लॉस, इसमें स्टॉप लॉस बताने वाली क्या बात है। अच्छा दूसरी बात यह है कि टारगेट क्या होगा, तो टारगेट उसका पहला पुल बैक होगा, जहाँ से भागी है यहाँ से भागी है यहाँ से गिरेगी, तो इसमें देखो अगर वो भागते क्रम में है तो उल्टा नहीं सेल करो, लेकिन गिरते क्रम में है तो इसका लोअर लो जरूर तोड़ेगी, भागते क्रम में ऐसे भागी है तो इसके मिड पे आएगी, रिट्रेसमेंट लेके चली जाएगी। तो अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपको बाय साइड करना ही है, तो वो ज़्यादा आपको सही रहेगा और उसके ब्रेकआउट तक आपको प्रॉफिट दे देगा। ट्रेंड अगर बेरिश है तो आपको ये करना है कि जब भागेगी रिट्रेसमेंट लेगी वहाँ से, तो यहाँ पर आप ट्रेड करोगे तो आपको लोअर लो ब्रेक तक अच्छा प्रॉफिट देगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, दैट इज रियल ट्रेडिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब बस यही है कि ट्रैपिंग से बचने के लिए आपको ये सारे लैंग्वेज अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ पे आपको सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में दिखेगी वहीं पे सबसे बड़ी मुसीबत होगी, तो आप जाल में फंस जाओगे और ये चीज़ें आपको होती रहेगी। देखो यहाँ पे इसलिए लोग बोलते हैं ब्रेकआउट क्यों नहीं काम करता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, जैसे कोई लोग क्वेश्चन रहता है कि कोई एक चीज़ पकड़ ले, फार्मूला का मतलब देखो क्या चीज़ होती है कि आपके अपना प्रॉपर सेटअप, सेटअप का मतलब कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं है, फार्मूला का मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो बदलता नहीं है, सेटअप का मतलब ये नहीं कि एक ऐसा सिद्धांत जो बदलता नहीं है। सेटअप की जो बात होती है वो होती है डिपेंड कंडीशनल वैल्यू पे, मार्केट गैप अप खुली तो वही सेटअप दूसरे हिसाब से काम आएगा, मार्केट गैप डाउन खुली, मार्केट में सपोर्ट है तो वही सेटअप दूसरे हिसाब से देखा जाएगा। तो सेटअप वही रहेगा, कैंडल वही रहेगी, लेकिन कंडीशन के हिसाब से हम तरीके और अप्लाई करने की चीज़ों में बदलाव करेंगे। लेकिन जो ये चीज़ है सिद्धांत, यानी कि कोई फार्मूला कि हम इस तरीके से पकड़ के ट्रेड कर लेंगे, तो फिर ये मुश्किल है इस फील्ड में, इसलिए इसको क्रिएटिविटी का फील्ड कहा गया है। तो यहाँ पर आपको मैं जल्दी से और भी सारे पॉइंट समझा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सबसे बड़ा बार बना हुआ है, इसको भी आप कंसिडर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये लेवल था, मान लीजिए ठीक है, और ये कोई एक रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी
ये सपोर्ट लेवल था और उसके बाद में देखी गई और यहाँ पे कंसोलिडेट होकर गिरी। तो जो ये वाला बार है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये गया और उसके बाद में आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए थोड़ी सी वही कैंडल इनसाइड कैंडल की तरह बनी है, थोड़ी बॉडी इसके ऊपर चली गई है, तो ही ये नीचे गिरी है उसी हिसाब से देखिए इस लेवल को आने के बाद में, और तुरंत यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चली गई। तो कहने का मतलब है कि ये सब बार डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहाँ से टर्न हो गई। देखो कल जैसे हमने बताया था कि इसे क्विक एंट्री कैसे ले इनसाइड कैंडल पे, आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो टर्निंग पॉइंट जहाँ से आपकी जो ट्रैपिंग है। देखो मार्केट में क्या है, मार्केट की रियलिटी यही है कि ट्रैपिंग में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, जहाँ पे लोग बाय कर रहे होंगे वहाँ पे आपको सेल करना होगा। चलिए गैर, तो जहाँ पे लोग बाय कर रहे होंगे वहाँ पे आपको सेल का प्लान करना होगा, जब लोग ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तब आपको एग्जीक्यूट करने का प्लान करना होगा। तो ये है रियल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट, देखो ये हमेशा चलती रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रैपिंग पे मत, ग्रीड को और फेयर को खत्म कर दो, न्यूट्रल हो जाओ, मार्केट न्यूट्रल है, खुद को न्यूट्रल कर लो और इसके लिए डेमो ट्रेडिंग करो और या एक लॉट सिंगल से करो, ऑब्जर्वेशन करो, प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों होप आपको ये सेकेंड वाला बार समझ में आ गया और की रिवर्सल पॉइंट समझ में आ गया। अब हम तीसरी बार जो बोल रहे थे कि जो हमारा बनता है थ्री बार रिवर्सल पॉइंट, तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये बुलिश कंडीशन को आप आइडेंटिफाई करिए, दो बार बनना, फिर इसके हाई के ऊपर नहीं जाना, और यहाँ पे देखिए ये जो इसकी जो हाई है ये इसके ऊपर नहीं गई है, तो इसका मतलब है कि बायर सारे ट्रैप हो चुके हैं। अब यहाँ पे नए बायर इस लेवल को ब्रेकआउट के बाद नहीं आ रहे हैं। ऊपर से दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी के नीचे, इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देने का मतलब है कि सेलर यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये कर्व होती है, जैसे मार्केट गई और किसी लेवल को टकरा कर टर्न हो गई, तो जो ये दो कैंडल बनी है इसी में सारे बायर फंसते हैं, उसके बाद मार्केट यहाँ पे टर्न हो जाती है। तो इस बार के बाद में क्या होगा, फिर वही कहानी होगी कि यहाँ पे तो बेरिश कैंडल बनेगी, छोटी बनेगी, इस तरीके से कुछ बनेगी छोटी एक आध कैंडल, फिर इसके बाद भी इस लेवल का ब्रेकआउट होगा और मार्केट नीचे गिर जाएगी। सेम इसके अपोजिट होगा, अगर मान लीजिए ये बुलिश साइड में होगा तो इसमें क्या होगा कि मार्केट बेरिश फॉर्मेशन में बड़े बड़े दो कैंडल बनाएगी, उसके बाद में जो तीसरा कैंडल है वो लोअर लो को नहीं तोड़ना चाहिए और हायर हाई के ऊपर जाके यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जितने सेलर को लेना था मार्केट ने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, सबको पार्टिसिपेट करा लिया, सबके स्टॉप लॉस करके और मार्केट के लेवल के ऊपर भाग जाएगी। अब यहां पे एक सिचुएशन आते हैं कि हम कब एंट्री लें, तो दोस्तों एंट्री लेने के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा कि जैसे इस कैंडल की फॉर्मेशन को हो जाने दो, ये कैंडल पूरी इस तरह से कंप्लीट बन जाने दो, फिर उसके बाद में देखो कि मार्केट में नीचे ट्रांजैक्शंस कैसे आ रहे हैं। अगर किसी मेजर लेवल पे रिजेक्शन लेके भागा है तो यहां पे क्या होगा कि बनने के बाद में तुरंत ही विद इन 10 20 25 30 सेकंड में, एक मिनट में इस लेवल को ब्रेकआउट करके भागने लगेगा। तो अगर ऐसा एक्शन दिखता है तो यहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा यह कि अगर इसके हाई हायर को नहीं तोड़ता है तुरंत और उसके बाद में मार्केट इसके बीच में थोड़ा सस्टेन करता है, रेड कैंडल रिटेस्ट लेता है, तो उस रेड कैंडल के हायर हाई के ब्रेक करने के बाद में आप वहां पे बाय कर सकते हो। बस आपको नीचे लेवल्स को ध्यान रखना होगा। तो इसमें बस आपको दो चीजें देखनी है, एक तो ये कि कैंडल दो फिर ट्रैपिंग होगी, उसके बाद ये रिवर्सल यहाँ पे थ्री रिवर्सल बाहर इसको इसीलिए बोलते हैं बनेगा, फिर इस कैंडल के जो ये हाई लो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर इसका मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा लेवल हुआ, सपोर्ट लेवल हुआ, ट्रैपिंग हो गई, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर यहाँ पे बुलिश जा सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो दोस्तों इसको कैंडल फॉर्मेशन में थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियरिफाई कर देते हैं। देखो आप लोगों को कैंडल की बॉडी को एक एक पॉइंट को समझना होगा कि भाई कैंडल प्रेशर क्या है। मान लीजिए कैंडल ऊपर खुली और जाके यहाँ पे क्लोज हो गई तो इसकी मीनिंग बदल गई, कैंडल खुली बीच में क्लोज हो गई, तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस की जो देखोगे तो उसी हिसाब से आप आइडिया लगा पाओगे कि भाई क्या है, क्योंकि कैंडल के ही सेंटिमेंट हमें बायर ट्रेडर की सोच को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं कि देखो सेटअप दोनों एक ही है, नॉर्मल आदमी यहाँ पे फंस सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो जैसे ये रेड कैंडल बनी और फिर ये रेड कैंडल बनी, ठीक हो गया हमारा। अब उसके बाद मान लीजिए यहाँ से मार्केट टर्न हुई तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखो इसकी हाई है और टेल तो यहाँ पे हाई पे गई है, लेकिन क्लोजिंग देखो इस वाले क्लोजिंग की बॉडी की और इसके नीचे है, तो इसका मतलब क्या है कि कैंडल जो प्रेशर है उसको ज़्यादा दिया जा रहा है और अभी भी बायर एक्टिवेट नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पे ट्रैपिंग करने के लिए भी चांस हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल जो कैंडल है इसका फॉर्मेशन हुआ, थोड़ा सा हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है या फिर वेट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि सेम सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट दोनों कैंडल ऐसे फॉर्मेशन होता है और जो ये हाई बना है तो ये जाकर के इस वाले बुलिश के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। तो ये सिम्टम्स ये
यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे देता है, तो इस वाले लेवल के ऊपर जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो ये इस बात का साइन दे देता है लोगों के दिमाग में कि अब यहाँ से बायर एक्टिवेट हो चुके हैं, अब भाग सकती है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग क्या है, साइकोलॉजिकल गेम है ना, तो जो चार्ट में दिखता है उसके हिसाब से अब लोग क्या सोच रहे हैं वो भी तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बायर सोच चुके हैं सारे कि अब भागने वाली है, तो अब अगर कोई रेंज ब्रेकआउट करती है तो बाय करने में हमें क्या दिक्कत है, तो ट्रांजेक्शन नेचुरली आएंगे और वहीं तक आएंगे जहाँ तक सब लोग ट्रैप होंगे। तो हमें क्या करना है कि अर्ली एंट्री लेना है, सही एंट्री लेना है, अर्ली एंट्री लेना है, और जब सब ट्रैप हो तो वहां पे हमें एग्जिट कर देना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दूसरी भी कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं, सेम वही कंडीशन है। और यहाँ पे देखिए एक सुपर जो है तो 3 बार रिवर्सल बार में जैसे कैंडल बनती है, तो इस तरीके से भी फॉर्मेशन होगा कि ये देखिए कैंडल कितनी स्ट्रेंथ देखिए बस कि मतलब देखो ट्रैप हुए और उसके बाद देखिए बायर आ गए। अब यहाँ पे आप अलाउ नहीं करते बाय के, मैं नहीं कहता बाय करो, बट अगर यहाँ पे कोई रीटेस्ट होता है तो फिर पक्का बाय करो, क्योंकि वो जाएगी जाएगी, इस पर ही मैं बहुत ट्रेड करके काम कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन जैसे हमने पुलबैक्स की आपको बताई थी, तो देखो जैसे आपको यहाँ पे बुलिश पुलबैक होगा यहाँ पे, तो जैसे मार्केट ऊपर गई रिट्रेस ली तो भी ऊपर जाएगी, इस व्यू में इसको समझो। तो मैं ये बोल रहा था कि जब बुलिश मोमेंटम होगी तो उसकी बॉडी देखो यहाँ पे, बस ये चीज़ देखो। जो बैंक लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में लोग आप ट्रेड करते हो ना, तो उसमें बस चीज़ों को फील करो। देखो ट्रेडिंग यहाँ पे बस इस कैंडल के फॉर्मेशन पे आप ध्यान दो, और मैं आपको जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, बस आप चीज़ों को क्लियरिफाई करो और प्रैक्टिस करते रहो, किसी को अननेसेसरी दिमाग में कॉन्टेंट को जाने मत दो। क्योंकि देखो ट्रेडिंग एक ऐसा विषय है कि इसमें मिस्ट्री है। अब अगर किसी विषय के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं तो इसमें बहुत सारी अफवाहें चलती हैं और लोग सच मान करके गलत तरीके से अपने 2 साल 4 साल 6 साल बर्बाद करते हैं। मेरा मानना यह है कि आपको 3-4 महीने लगेंगे, बशर्ते आप एक सिस्टम से काम करें, तो 3-4 महीने में आप आराम से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये इतना ईजी स्टेप है और इसमें कोई मुश्किल का काम नहीं है, ये इतना ईजी स्टेप है दोस्तों। बस एक समझने वाली बात है कैंडल के फॉर्मेशन को और इसके जो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट हैं, इसके जो टेक्निकल आस्पेक्ट हैं, बस ये सारी चीजें जिस दिन आपको हमारे जैसे रट जाएंगी उस दिन आपको ये लगेगा कि भाई ये ब्रेकआउट होगा तो एक्शनेबल बन जाओगे, एक्ट कर पाओगे। तीनों कैंडल देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन में, ठीक बात, यहाँ पे ये गिर गई, यहाँ पे गिर गई। मैं आपको ये बोला था ना कि रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे सेल कर देगा, वो सोचेगा भागी ये गिर गई। स्ट्रेंथ नहीं दोगे कैंडल की, प्रेशर नहीं देखो, स्ट्रेंथ नहीं देखोगे, चलो ठीक है इसमें अब इसकी स्ट्रेंथ देखो ठीक है, लेकिन अगर बुलिश मोमेंटम है तो तीसरी वाली जो अभी हमने बताया ना कि ये इस वाली कैंडल की फॉर्मेशन देखो, अब इसमें क्या है कि बाइंग प्रेशर हो गया। तो जो चालाक ट्रेडर है, जो रियल ट्रेडर है, जो इस मार्केट में कॉन्स्टेंट विनर है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि वो इसके हायर हाई को ब्रेक करके ही एंट्री लेगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देगा। और इस रिट्रेसमेंट को, इस पुलबैक को आप चेक करना है 1 साल 2 साल 6 साल, क्योंकि ये मेरा वेरीफाइड है, आप देखोगे तो वहाँ से भागेगी। क्योंकि देखो जब जब बुलिश मोमेंटम होगा तो लास्ट वाली कैंडल का प्रेशर इसी तरीके से कुछ बनेगा, या दूसरा बन सकता है, मान लीजिए बीच में मिड में बन सकती है, ऑनिक कैंडल बन सकती है, या फिर इनसाइड कैंडल बन सकती है। तो तीनों कैंडल के फॉर्मेशन पे भी यहाँ अपॉर्चुनिटी बनेगी। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर ये कैंडल बनती है तो भी आपको पक्का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ बाइंग साइड में है, एसएल हंटिंग हो चुकी है, तो अब हम लोग यहीं पर एंट्री लेने वाले हैं। अब नॉर्मली आपको ये कैंडल कहाँ पर जाएगी, तो अब यहाँ से ही भागेगी तो ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है, जैसे चार्ट में अभी मैं दिखाऊंगा इस वाले लेवल को ब्रेक तक जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे तो ट्रैप हो गए ना, फिर रिट्रेसमेंट लेके फिर ऐसे जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमारा प्रीमियम जो 200 का होगा वो हमारा हो जाएगा 250 का 300 का, और जो यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हम तुरंत 250 का 300 का प्रीमियम तुरंत 250 का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए शार्प एंट्री यहीं पर लेना है, इसलिए मैं बोलो एक लॉट से प्रैक्टिस करो या तो डेमो ट्रेडिंग करो। और जब आप शार्प एंट्री यहीं पर ले लोगे तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे, मान लीजिए नहीं गया कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, शॉर्ट एंट्री ढूंढना और लेना सीख जाओगे तो फिर ट्रेडिंग करना मुश्किल कहाँ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो उसी हिसाब से आप देखो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे, मैंने देखो कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस बात को समझो। तो जैसे जैसे ये पुल बनेगा तो उसमें जो 2-3 कैंडल बनती है तो उसके बस लास्ट वाले कैंडल के फॉर्मेशन को समझो, और ऐसे ही जैसे ब्रेकआउट करें नीचे ट्रांजेक्शन देखो अप्लाई करो और तुरंत ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, एक्ट करना सीखो। उसके बाद में यहाँ पे चार चीज़ें आपको डिस्कस कर देता हूँ, बस इनको चार्ट में आपको ध्यान देना है। कंडीशन नंबर 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी ऐसे लेवल पे ब्रेकआउट होना, जाना नीचे क्लोजिंग दे देना। कंडीशन नंबर 2, यहाँ पे देख सकते हैं सेम सिचुएशन में ब्रेकआउट होना, यहाँ पे क्लोजिंग कम देना। अब ये अगर सिचुएशन सपोर्ट पे ऐसे बनेगी, देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कंडीशनल वैल्यू को जरूर देखना, क्योंकि कंडीशनल वैल्यू में देखोगे तो अप्लाई कैसे करोगे। तो इसका मतलब है देखो यही चीज़ अगर सपोर्ट पे ऐसे बनेगी, ऐसे गिरेगी तो ये इसका सपोर्ट लेके फिर भाग जाएगी, तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। यहीं पे अगर ये किसी ब्रेकआउट के ऊपर गई टर्न हो गई, या किसी रेजिस्टेंस पे जाकर टर्न हो गई, सेलर इंजेक्ट हो गए, तो यहाँ पे अगर छोटी सी कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो ये गिर जाएगी। तो क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको देखो इस सिचुएशन के बाद भी गिर सकती है दूसरी कैंडल, डिपेंड करेगी, लेकिन आपको एक अच्छी परफेक्ट एंट्री शुरू में देखना पड़ेगा, बाकी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ में आ जाएंगी। नीचे बस यही 2 सिचुएशन
देखनी होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम कंडीशन है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिस हुई है तो इसके बाद में छोटी कैंडल का रिटेस्ट होता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग बुलिस नहीं है तो देखिए इसमें धोखा क्या हो सकता है कि अगर ये सिचुएशन रेजिस्टेंस लेवल पे बनी और मार्केट नीचे यहाँ पे गई तो लोग ट्रैप हुए, उसके बाद में फिर यहाँ पे बायर ट्रैप हो गए। अब अगर इसकी क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हो जाती और उसके बाद इस हाई को ब्रेक करती तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट होकर मार्केट ऊपर चली जाती। आप लोग क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे तो क्या होगा कि मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रही थी उसके बाद आके नीचे क्लोज हो गई। तो यहाँ पे देखिए अभी बायर एक्टिवेट नहीं हुए तो यहाँ पे ट्रैपिंग के बाद भी फिर यहाँ पे रेड बड़ी सी कैंडल बनेगी, रिवर्सल बार बनेगा और मार्केट नीचे गिर। तो इस तरीके से बस आपको ध्यान देना है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखिए ये चीज़ बहुत ही औसम काम करती है ऑप्शन में। आप जब ट्रेड करते होंगे बैंक निफ्टी में और इसमें सारी चीज़ों में तो जब भागेगी तो आप इस आखिरी कैंडल के फॉर्मेशन को देखना जो दो कैंडल बनेगी, कॉल एंड पुट में भी लगाना। अब यहाँ पे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, हर बार मैं कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो वीडियो 1 घंटे 45 मिनट का चला जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिस इसकी क्लोजिंग हम मान लीजिए फॉर्मेशन होने के बाद क्लोजिंग यहीं पे छोटी सी हो गई तो फिर उसको उस चीज में कंडीशन नहीं करेंगे। या फिर यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है तो इसका अलग मीनिंग निकलेगा, यहीं पर सपोर्ट लेवल है तो अलग मीनिंग निकलेगा, ऊपर टॉप है तो अलग मीनिंग निकलेगा। तो ये जो बारीकियां हैं ये मैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको पढ़ाया 2 बार रिवर्सल पॉइंट, अब ये भी बहुत औसम काम करता है। देखो जहां पे भी ये ब्रेकआउट होके फेक होता है उसके बाद जैसे रिवर्सल बार बनता वहीं से मार्केट लौट जाती है, तो हर फेक ब्रेकआउट के बाद भी इसको ट्रैक करो। तो दोस्तों टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ऑलरेडी वीडियो मुझे लगता है 30 से 40 मिनट का हो चुका है तो यहाँ पर मैं वीडियो को एक्सटेंड नहीं करूँगा और आज चार्ट में मैं नहीं ले जाऊँगा। आप लोग जाओ वहाँ पर प्रैक्टिस करो क्योंकि देखो कल इनसाइड कैंडल की हमने प्रैक्टिस की थी, चार्ट में जाऊँगा तो 15 मिनट वीडियो और बढ़ेगा तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर जरूरत होगी तो कभी हम चार्ट में फिर इसको अगले वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने सारे टॉपिक ऑलरेडी प्रूव कर दिए हैं तो हर बार में चार्ट में दिखाना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग इसको चार्ट में देखोगे तो ये दिखेगा, आप पिछले एक हफ्ते में देखोगे तो कई बार बना हुआ है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप दिखेगा। और इसको देखो जिस दिन बना हुआ तो मुझे कमेंट करना तो मैं देखूंगा किन किन को समझ में आ गया है, फिर नहीं समझ में आएगा अगर कोई दिक्कत होगी तो इसको अगले किसी वीडियो में इसकी क्लैरिटी दे देंगे। लेकिन आज हम चार्ट में नहीं जाएंगे, वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। प्रैक्टिस करो और बाकी जो है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करो यार, इतनी मेहनत करता हूं तो एक अच्छा सा कमेंट करो और मैं आप सभी लोगों को विश करता हूं अच्छे से मेहनत करोगे ट्रेडर बन जाओगे क्योंकि देखो ये मेरा पूरा विश्वास है।